नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी। जैसा कि आपको मालूम है, जनवाणी कार्यक्रम में अक्सर हम अलग अलग विषयों को लेकर हाजिर होते हैं और ऐसे विषयों को लेकर हाजिर होते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमारे और हमारे दर्शकों के साथ। लेकिन आज के इस अंक में हम थोड़ा सा विषय हटकर बात करेंगे। आज के इस अंक में हम बात करेंगे गांधी दर्शन की और मौजूदा परिदृश्य में गांधी दर्शन कितना उपयोगी है बात करेंगे। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन शिमला के। शर्मा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कार्यक्रम है जनवाणी। यूं तो अक्सर इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों को लेकर बात करते हैं, लेकिन आज के इस अंक में हम बात करेंगे गांधी दर्शन की। और क्योंकि आप अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन शिमला के, तो ऐसे में जिक्र करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। आइंस्टाइन की एक बहुत परिभाषा रही है कि आने वाली पुश्तें शायद ही इस बात का विश्वास करें कि हार्ड मास का दुबला सा एक ऐसा शख्स भी इस जमीन पर रहा जिसने लाठी के बूते जो है देश को आजादी दिलवाई है। इस वक्तव्य के साथ मैं उनके जीवन परिचय से संबंधित जानना चाहता हूं, प्रकाश डलवाना चाहता हूं। जी देखिए, गांधी दर्शन अपने आप में एक बड़ा विराट स्वरूप लिए हुए है जी, और मेरा ये मानना है कि जो गांधी मोहनदास करमचंद गांधी थे जी, और जो आज के गांधी जिनकी बात आप कर रहे हैं जी, वो उन गांधी से तुलनात्मक रूप से बहुत विशाल और बड़े हैं जी। आज के गांधी जो हैं, गांधी दर्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं जी, मैं समझता हूं वो एक वैश्विक संदेश लेते हुए, एक शाश्वत संदेश जी लिए हुए, न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व का अपील करता है जी। और जो आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो कोट कही जी, तो वाकई विश्वास नहीं होता अगर आप उनकी किताब जिन्होंने 1925 में लिखी जी, सत्य के प्रयोग जी, सत्य के प्रयोग मींस द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जी, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उस किताब में सत्य से संबंधित वो पहलू छुए गए हैं जो मैं समझता हूं कोई भी ऑथर, कोई भी राइटर जी लिखने से परहेज करे जी। इतनी सत्यता के साथ जी, इतने सरलता के साथ गांधी जी ने वो सारी किताबें अपनी उस बातें उस किताब में लिखी जी। उन्होंने अपने जीवन के पूरी हकीकत जो है बयां की है, उसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं है जी। तो इसलिए आइंस्टाइन ठीक ही कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि ऐसा आदमी भी कभी हुआ हो जी, या फिर बिना आर्म्स एमिनेशन के, बिना गोला बारूद के जी, बिना लाठी घुमाए जी, लाठी हाथ में थी जी, उल्टी लाठी उन्होंने खाई जी, पर उन्होंने अपनी लाठी नहीं घुमाई जी। बिल्कुल, ये लोकोक्ति बिल्कुल जो है सत्य करती है कि आने वाली पुश्तें बहुत कम ये विश्वास करेंगे कि एक ऐसे शख्स ने जो है एक लाठी के बूते जो है देश को आजादी दिलवाई है। आप खुद एक चिंतक रहे हैं, आपकी बहुत सी किताबें बाजार में छपी हैं और आप वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन के। और आज जो हमारा कार्यक्रम है गांधी दर्शन पर हम ये बात करेंगे। अगर गांधी के महात्मा बनने तक के सफर के बारे में भी बात करेंगे और खास करके हम शिमला का भी जिक्र करेंगे क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है और गांधी 3 या 4 दफा वो शिमला रहे हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे, तो महात्मा बनने के सफर में थोड़ा सा उनका प्रकाश डलवाना चाहूंगा कि गांधी कैसे महात्मा। गांधी यात्रा जो रही है वो एक साधारण से असाधारण की रही है जी, और वो एक गांधी जब बचे थे जी, मोहनदास नाम था जी, मोहनदास करमचंद जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, सिर्फ गांधी जी, राष्ट्रपिता जी, बापू, बहुत सी ऐसी संज्ञाएं हैं, और बचपन में मोहिनिया जी, मोहनदास को मोहिनिया कह के पुकारते थे जी। तो जो मोहिनिया की यात्रा है मोहनदास होते हुए गांधी, राष्ट्रपिता और बापू तक की जी, वो एक यात्रा बड़ी प्रयोगात्मक रही जी, क्रियात्मक रही जी, और जहां भी उनको न्याय या शोषण दिखा उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज बुलंद की। हम अक्सर कहते हैं गांधी जी ने आजादी दिलाई जी, पर कहीं मैं सोचता हूं कि उन्होंने विशुद्ध रूप से वो भारत की स्वतंत्रता के लिए ही नहीं लड़े जी, उनका मकसद तो शोषण अन्याय के खिलाफ लड़ने का था जी, और वो लड़े और उसी अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ते हुए
जी आक्रांता के खिलाफ लड़ते हुए ही भारत को आजादी मिली जी। और उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से सभी जातियों को सभी धर्मों को अमीर गरीब बैरिस्टर सबको एक सूत्र में पिरोया जी। और एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जी। जिस आंदोलन ने छोटी छोटी बातों पर आंदोलन किया जी। नील की खेती पर आंदोलन किया जी। खेड़ा सत्याग्रह में फार्मर्स के साथ काम किया जी। नमक को लेकर आंदोलन किया नमक मुट्ठी भर नमक को लेकर आंदोलन किया सूत कपास के लेकर आंदोलन किया जी। और जब जब कभी उनका आंदोलन अगर हिंसक हुआ जी तो उन्होंने उसको रुकवाया जी। जैसे चौरी चौरा जी जो हत्याकांड था जिसमें मारपीट बहुत हुई जी तो गांधी जी ने आंदोलन के बजाय अहिंसा का रास्ता चुना जी। गांधी जी का मत था कि हिंसा का मुकाबला आप अहिंसा से ही कर सकते हैं जी। और अहिंसा वीर का आभूषण है जी। अहिंसा कोई कायरता नहीं है कि हम कायर हैं तो अहिंसक रहो नो जी। और आज भारत जिस रास्ते पे चल रहा है अगर वर्तमान सरकार की बात करें जी मोदी जी की पिछली सरकार की बात करें जी स्वच्छता है स्वावलंबन है ग्रामोद्योग है समरसता है ये सब चीजों के बीच कहीं ना कहीं गांधी दर्शन में दर्शन से निकले हैं। जी क्योंकि गांधी को आप राजनीति में नहीं बांध सकते जी। गांधी जी का जो संदेश था और गांधी जी ने खुद कहा कि मेरा कोई भी संदेश अंतिम नहीं है जी। और अगर इसके अलावा कोई बात नहीं आती है तो मेरे विचार बदल सकते हैं और जो अंत की बात मैं कहूंगा आप उसी को सच मानो जी। तो विचार जो है वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं और गांधी जी ने बड़ी बेबाकी से कहा। और जहां तक ये सत्य और अहिंसा की बात कही मैं ये समझता हूं कि बोलना बहुत आसान है सत्य और अहिंसा जी। बिल्कुल आपने बहुत लेकिन बेहतर सत्य पे टिके रहना जी और अहिंसक रहना मुश्किल है। और उस महापुरुष को शत शत प्रणाम जिसने पहली बार सत्य प्रेम और अहिंसा तीन शब्दों का उच्चारण किया हालांकि शब्द बहुत सिंपल है जी। जी बिल्कुल आपने बहुत बखूबी कहा कि और बहुत अच्छा बेहतर आपने कहा है कि महात्मा गांधी ने ना केवल हमारे देश की आज़ादी के लिए ही अपना योगदान अतुलनीय योगदान दिया है बल्कि इसके साथ हमारे देश के भीतर की जो बुराइयां रही हैं जो कुरीतियां रही हैं समाज में व्याप्त जो कुरीतियां रही हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की। बिल्कुल और मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो चीज़ ये महसूस की हमारे समाज में जो उस समय जो दौर चल रहा था उस समय समाज में जो कुरीतियाँ थी उन्होंने खुद उस चीज़ को महसूस किया है जो कि किस तरह से एक वर्ग ऐसा भी रहा है जो पूरी तरह से शोषित होता रहा है और एक वर्ग ऐसा रहा है जो उन पर जो है राज करता रहा है। और ख़ास करके अगर उनके बैरिस्ट्री काल के दौरान उनके विदेश दौरे की बात करें जहां पर उन्होंने जो उनके साथ जो बर्ताव वहां पर किया गया है उस चीज़ को उन्होंने महसूस किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस बैरिस्ट्री काल के दौरान जब उन्होंने विदेश की यात्रा की और उसके उपरांत जब विदेश से आने के बाद भारत में जब उन्होंने दोबारा से पदार्पण किया तब क्या कहकर उन्होंने भारत के लिए जो है अपना योगदान दिया। देखिए बड़े छोटे रूप में मैं बताना चाहूंगा जी। गांधी जी पढ़े बिल्कुल डरपोक शर्मीले बच्चे थे वो जी बहुत डरपोक और कोई ज्यादा असाधारण प्रतिभा भी नहीं थी जी। लॉ किया और इतना वकालत भी नहीं जमी जी। तो उनको एक शेख मेहताब अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के मिले कि अफ्रीका में हमको एक वकील चाहिए जो गुजराती जुबान या वहां की जुबान में तर्जुमा कर सके जी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है वहीं चलते। ये नीति को उनको बापू बनाना था जी इसलिए वो चीजें वैसी जुड़ती चलेगी जी। और वो गुजरात से उठ के वो जैसे उन्होंने बैरिस्ट्री की इंग्लैंड से जी। उसके बाद वो वकालत करने वहां चले गए दक्षिण अफ्रीका जी। और जो पीटर मैरिट्सबर्ग की जो घटना है उनका सम्मान का बाहर आज जून का महीना तो वो 9 जून की ही बात थी जी। जब उनका सम्मान वगैरह जो 1909 के आसपास जी या उससे पहले शायद जी के आसपास जो बाहर फेंका गया था तो जो एक वहाँ अश्वेत और श्वेत का जो डिफरेंस था जी उसके विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त आंदोलन वहाँ पे चलाया मुहिम चलाई जी। अगर आप रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देखेंगे गांधी जी तो उसमें आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने सभी लोगों को इकट्ठा कैसे किया। और गांधी जी का ये था कि सबसे बड़ी बात वो सबसे पीछे चलते थे सबको इकट्ठा करते थे जी। वो चाहे भारत की बात है चाहे वहां की बात है जी। और सबको अन्याय और शोषण के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के लिए उन्होंने हमेशा प्रेरित किया जी। और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात उनकी अर्धांगिनी कस्तूरबा जी गांधी का मैं बहुत विशाल योगदान मानता हूं जी। वो कदम कदम पे गांधी जी के साथ
चलती रही जी। बीमारी की अवस्था में भी गांधी जी का सहारा बनी, हालांकि कस्तूरबा गांधी के बारे में इतना नहीं कहा गया है जी। मैं समझता हूं जहां गांधी जी के पास एक लाठी सहारा थी, दूसरी लाठी उनकी कस्तूरबा गांधी थी जी। और जब अश्वेत एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, दक्षिण अफ्रीका उनकी एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी बनी जी, सत्य के प्रयोग एक अहम पड़ाव बिल्कुल मान सकते बिल्कुल। हैं उनका जी। और इधर जब भारत में ये बुरे का बुरा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले को लगा कि इसका नेतृत्व कौन करेगा जी, किस आदमी को लाएं जी। तो उनको आइडिया था कि ऐसे ऐसे एक मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के ऊपर वो वहां गए, महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप भारत आइए, जरा यहाँ का भी यहाँ की जो कुरीतियां हैं या जो शोषण अन्याय की चीजें हैं आप जरा उनसे भी पार पाने का प्रयास करें। गांधी जी उनके आमंत्रण पे एग्री हुए, भारत आए। फिर गोखले जी ने कहा कि एक साल पूरे भारत का भ्रमण करो, और गांधी जी 1914 में भारत आए, एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया जी। भारत को जाना पहचाना कि भारत में क्या रहा जी। उनको लगा कहीं ना कहीं भारत के अंदर, हालांकि तब भी पढ़े लिखे वकील लोग स्वतंत्रता का आंदोलन चलाते थे, वो ड्राइंग रूम्स तक सीमित थी जी। गांधी जी इस लड़ाई को पूरे भारत में ले गए, बच्चे बच्चे की जुबान पे जी। गांधी जी का नाम आया, मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आया, बापू का नाम आया, और वो उनका प्रभाव क्षेत्र इतना विशाल बना। जब भारत को आजादी मिली उसके बाद विश्व में 54 देश अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त होने में सफल हुए जी, 54 कंट्रीज जी। जी बिल्कुल, ये उनकी योगदान ही माना जा सकता है बिल्कुल ना जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा है उस चीज के लिए, भारत की आजादी का सपना देखने के लिए हर वर्ग को जोड़ा है, प्रेरित किया जी बिल्कुल प्रेरित किया। और उसके लिए उन्होंने जैसे उनकी संकल्पना भी रही है, सर्वोदय की संकल्पना रही कि हर वर्ग का उदय होना चाहिए, कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए, वो मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए बिल्कुल जी बिल्कुल। ये अभी आपने जिक्र किया कि उनकी एक लाठी रही जो लकड़ी की लाठी, लेकिन साथ ही में जो लाठी थी वो उनकी संगनी, जीवन संगनी, धर्मपत्नी रही है, कस्तूरबा गांधी रही है। अगर हम आज के परिदृश्य में जिस तरह से बालिका शिक्षा पर ज़्यादा जोर तवज्जो दी जा रही है, अगर गांधी काल की ही हम बात करें, गांधी काल के समय भी, क्योंकि उससे पहले समाज में अनेकों कुरीतियाँ चल रही थी, लेकिन फिर भी नारी उत्थान के विषय में बहुत से चिंतक हैं, बहुत से समाजवादी विचारक रहे हैं, वो कार्य करते रहे हैं। लेकिन अगर गांधी काल की बात करेंगे, गांधी काल में महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, महिलाओं को अग्रणी लाने की बात करेंगे, क्योंकि गांधी जी का खुद का ये विचार रहा है महिलाओं के प्रति के, यदि अगर शक्ति की कल्पना हम पशु बल से करते हैं तो उसमें तो मनुष्यों को जो पुरुष समाज है उसका ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, लेकिन अगर आत्मिक बल की बात करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नारी जो है वो पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली बिल्कुल है जी। नारी पुरुष से ज़्यादा, नारी तो सृष्टि स्वरूप है, सृजन की देवी है जी, और इस विषय में कोई ज़्यादा दो राय नहीं होनी चाहिए, ना ही हमको इतनी गहराई में जाना चाहिए जी, क्योंकि ये निर्विवाद सत्य है जी, कि नारी जो है एक सृजन का विशाल स्वरूप है जी। अगर मोहनिया या मोहनदास गांधी बने जी, तो दो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है जी। एक उनकी माँ पुतलीबाई जी, जिन्होंने उनको असंख्य कहानियाँ सुनाई जी, राजा हरिश्चंद्र जी की जो नाटक था उन्होंने प्रेरित किया देखने के लिए जी कहानी, और उनकी जो दाई माँ थी रंबाबाई जी महात्मा गांधी जी की, उनके मुख से राम का नाम पहली बार उन्हें सुना था जी गांधी जी ने, और उसके बाद ज्यों ज्यों गांधी आगे बढ़ते गए उनको उनकी कस्तूरबा गांधी जी का साथ तो रहा ही रहा जी। और भी उनकी भतीजियां थी जो उनके पूरे टाइम टेबल हर एक चीज का ख्याल रखती थी जी। और अगर आप शिमला की बात करें, शिमला में तो जब आते थे वो, तो जो हिमाचल से पहली सांसद रही राज्यसभा की, पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही राजकुमारी अमृतकौर, मेनर विला यहाँ पे विश्वविद्यालय के पास ही समरिल में, वहाँ वो आते थे निर्भीक रूप से, वहाँ रहते थे जी। तो गांधी जी ने, और जो गांधी जी का विश्वास दो चीजों में बहुत था जी। एक, हमने आश्रम बनाना है, कम्युनिटी में रहना है जी। और वहाँ समरसता से रहना है, चाहे नर हो, नारी हो, श्वेत हो, अश्वेत हो, उच्च जात हो, जो भी चीज हो जी। अस्पृश्यता गुरु ने नहीं माना, खुद वो टॉयलेट साफ करते थे जी। और आपकी जानकारी के लिए, गांधी जी ने सैनिटेशन पे पहला लेक्चर जोहानिसबर्ग में दिया था स्वच्छता के ऊपर, मेरा ख्याल ये बात 1907-8 के आसपास की रही होगी, स्वच्छता पे जो पहला लेक्चर था जी। तो गांधी जी का कुष्ठ जो से लोग प्रभावित होते थे, गांधी जी खुद उनकी सेवा करते थे, तो गांधी को ये नहीं लगा कि ये काम छोटा ये काम बड़ा है जी। गांधी के लिए काम जो था वो बड़ा था
जो जो वो काम का कोई तुलनात्मक या मूल्यांकन नहीं होता है जी। काम तो काम है, झाड़ू देना बहुत बड़ा काम है जी, सुनारे का आभूषण बनाना वो भी एक बहुत बड़ा काम है जी। तो हर काम जो है वो बहुत उच्च कोटि का था। गांधी जी ने इसमें विश्वास रखा, बात चाहे कौमी एकता की हो, और गांधी जी की सारी चीजें वो भारतीय संविधान के अंदर भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी आई है, और जगह जहां जहां उनको परिलक्षित किया जा सकता था वहां उनको किया जी। तो गांधी जी का, और अगर आप देखें उनका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है, चाहे उद्योग में सूत कातना हो, चरखे का आविष्कार गांधी जी ने बहुत जबरदस्त किया जी। चरखा एक नॉन वायलेंस का, चरखा एक ऐसी चीज है आप चलाएं तो आप भी फायदे में, मैं चलाऊं तो मैं भी फायदे में। और एक दौर था जब भारत में कितने ज्यादा लोग चरखा चलाते थे, हर महिला जो है पश्चिम का शॉल बुनकर अच्छा पैसा कमाती थी जी। आज सब चीजें बंद होगी, तकली बंद होगी, चरखा बंद हो गया, और जो ग्राम स्वराज्य का जो इंडिपेंडेंट विलेज की जो हमारी अवधारणा थी, हालांकि उसको पटरी पे लाया जा रहा है, सरकार के प्रयास चल रहे हैं, द्रुत गति से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी की परिकल्पना जी बिल्कुल, ये ग्राम इकाई को सशक्त करना, ये उस समय काल में गांधी जी ने संकल्पित कर लिया था, उन्होंने एक विचारधारा बना ली थी कि लोकतंत्र की शक्ति जो है नीचे से शुरू की जानी चाहिए और सबसे पहली इकाई को जो है मजबूत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं ग्राम स्वराज्य की जो संकल्पना रही गांधी जी, उन पर भी मैं थोड़ा सा जरूर जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने चाहा था और मौजूदा परिदृश्य में कहां तक हम सफल हो पाए हैं उस चीज को। देखिए, भारत में तकरीबन 7 लाख 7.5 लाख गांव हैं जी, और हमारे गांव वो गांव थे जो एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी होती थी जी। पंचायत होगी, न्याय पंचायत होगी, लोहे का काम, सोने का काम, पॉटरी का काम, गेहूं, हर एक चीज, गाय है तो गांव है जी। ठीक है, तो वो चीज एक मॉडल था, और गांधी जी का डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल था, विकेंद्रीकरण का जी। लेकिन जो जो हमारा ये कैपिटलिज्म बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा, पूंजीवाद ने हर चीज को अपनी ओर खींचना शुरू किया जी। और गांव की पूरी व्यवस्था को अपनी तरफ खींचा, और जिससे कि गांव से बहुत मैसिव लेवल पे प्लान हुआ जी। शहर बने, बनते चले गए जी। और शहर चोकिंग स्टेज पे पहुंच रहे हैं आज जी। लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूं, मैं तो खुद भी काफी गांव का टूरिंग रहती है, खुद गांव से आता हूं जी। आज मुझे लगता है कि अब शायद चीजें हल्की सी रिवर्स होना शुरू हुई है। आज शहर में जितनी भी चीजें हैं वो गांव में मिल रही है, पोस्ट ऑफिस गांव में है, बैंक गांव में है जी, डिश आपकी गांव में जा रही है, दूरदर्शन आपका गांव में पहुंच रहा है, और सड़कें अच्छी हैं जी, एक एक गांव में कारें खड़ी है, यूटिलिटीज खड़ी हैं, लोगों का आना जाना फास्ट है जी। तो कहीं ना कहीं, और पंचायतें स्ट्रांग हो रही है, और मोदी जी ने तो पूरा दिल्ली से पंचायत प्रधान, पंचायत के अकाउंट में पैसा जाता है जी, कोई कमी नहीं है पैसे की जी। 20 लाख 30 लाख 40 लाख डिपेंड करता है कि ग्राम पंचायत प्रधान क्या योजना बनाता है जी। पैसा तभी खर्च होगा अकाउंट से जब योजना बनेगी और अप्रूव्ड योजना बनेगी। तो मेरा मानना यह कि कहीं ना कहीं गांव को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है जी। और लोगों ने भी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान वो गांव में नई नई चीजों करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे, फ्लोरिकल्चर वगैरह इतने जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और सब्जियां अच्छी बिक रही है। कल मैं इधर सुंदरनगर हाईवे से आया, जहाँ पे सुंदरनगर में काफी बड़ा बना है, तो दोनों तरफ लोग सब्जी वाले बैठे जी। मैं रुका, मैंने वैसे ही पूछा, मैं कहा ये हाईवे बनने से, एनएच बनने से क्या फायदा हुआ जी? कहते जी बहुत फायदा हुआ, यही हम सब्जी उगा रहे हैं, पूरा दिन यहाँ बैठते हैं, फ्रेश सब्जी लोग ले आते हैं। पहले हम सिर्फ गेहूं जौ में रहते थे जी। कुल मिलाकर ग्रामीण इकाई जो है वो काफी पहले के मायने में काफी सशक्त हुई है, और आने वाले समय में और ज्यादा इसके बढ़ेगा और ये सशक्त होगी। बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे, आपने सामाजिक, जो महात्मा गांधी ने जो अपना समाज एक की संकल्पना की थी, एक समाज की संकल्पना की थी, जो वर्ग विहीन समाज की संकल्पना की थी कि कोई वर्ग उसमें नहीं रहेगा, एक सशक्त समाज होगा, तो उस समाज की ओर हम कितना बढ़ पाए हैं और कितना बढ़ पाना अभी बाकी, कितना सफर किया जाना अभी बाकी। गांधी की, देखो, कौमी एकता की बात करें, नई तालीम की बात करें जी, या वर्ग भेदभाव को मिटाने की बात करें जी, महिला सशक्तिकरण की बात करें, गांधी जी ने हर विषय पे लिखा है जी। मेरे ख्याल गांधी के ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने तकरीबन वेजिटेरियनिज्म से लेकर, एल्कोहलिज्म से लेकर, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से लेकर, हर चीज पे लिखा है जी। और एक वो ऐसे समाज की संरचना करना चाहते थे जहां समाज आपस में समरसता से रहे, प्रेम भाव से रहे, जिसमें हिंसा ना हो। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हम अपने निजी तुच्छ स्वार्थों के लिए जी। भारत जैसी एक बड़ी चट्टान को जी।
टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, क्योंकि चट्टान को तो मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या रहा, तो मैं एक हथौड़ा मारूंगा, छोटा सा पत्थर चट्टान से निकला और मैं उस पत्थर का मालिक बन जाऊंगा कि मैं इसका मालिक हूँ। तो हमने तोड़ने का काम हमारे बीच से ही कर रहे हैं, प्रयास ये रहना चाहिए कि ये चट्टान मजबूती से रहे, ताकि जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो कल्पना गांधी जी ने की थी, वो कल्पना साकार हो सके, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं गांधी दर्शन से हटकर, अब क्योंकि आप अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन शिमला के, तो ये फाउंडेशन कब कैसे अस्तित्व में आई और क्या कुछ विशेष प्रायोजन रहते हैं, क्या कुछ कार्य रहते हैं? देखिए, महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, जी मेरा 2003 में इटली जाने का हुआ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जी। उसके बाद मैं कनाडा मॉन्ट्रियल गया जी। तो वहाँ काफी बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर थे जिन सब से हमने बात की जी। उनसे मुझे ये लगा कि भारत के पास, जब हम बात करते हैं बाहर जाके कि मैं भारत से हूँ, हम चाहे जितना बखान करें कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो हमारी बात उतनी मजबूती से टिक नहीं पाती जी। और ज्यों ही आप गांधी की बात शुरू करते हैं जी, वो चाहे विद्वान प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, वो कुर्सी छोड़ के खड़े उठ जाते हैं जी। ओ, यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी जी। और वो इतने इनक्यूजिटिव रहते हैं गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी एक ऐसी शख्सियत हुई है जिनका प्रभाव पूरी दुनिया के 3 महाद्वीपों में रहा है जी, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप जी। कोई और व्यक्ति का प्रभाव इतना नहीं रहा है। तो जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जी, जबकि मजबूती का नाम महात्मा गांधी होना चाहिए जी। तो गांधी जी को एक स्थापित करने के लिए उनकी विचार शैली नीति, इस जो सब चीजें हमने डिस्कस की, इस उद्देश्य से हमने ये महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन का निर्माण किया, मैं 2006 या 2007 में, और तब से लेकर हम अनवरत जी मार्टर्स डे पे 30 जनवरी जी और 2 अक्टूबर को जी हम गांधी जी के ऊपर काफी करते हैं और पूरे देश के कई बार, खास करके अगर नई पीढ़ी की बात करेंगे, नई पीढ़ी के बीच में जो है उनकी विचारधारा को, उनकी विचारधारा को लाने के लिए और गांधी के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में नई पीढ़ी को बताने के लिए क्या कोई विशेष? देखिए, गांधी जी ने 2 शब्द हमको दिए हैं जी, अहिंसा, और एक जो और शब्द दिया वो निर्भयता जी, ये भी गांधी जी ने दिया। हालांकि निर्भयता का वर्णन गीता में भी है जी। मैं ये चाहता हूं कि लोग अहिंसक बने जी और निर्भीक बने। जो नीडर है जी वही लीडर है जी। और आज हमको समाज में हर क्षेत्र में लीडरशिप की जरूरत है, वो चाहे दूरदर्शन शिमला हो जी, वो चाहे हिमाचल विधानसभा हो जी, वो चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो जी, हॉर्टिकल्चर हो, आईटी हो जी, या समाज सेवा हो जी, या पंचायती राज हो जी, जो निर्भीक है जी, निर्भय है जी, वही लीडर है जी। तो ये मेरा मानना है। तो गांधी जी के अहिंसक और निर्भीक होना जी, हमको डर नहीं होना चाहिए जी, और डरेगा वही नहीं जो सामर्थ्यवान होगा जी। तो सामर्थ्यवान भी बनना चाहिए जी, उस दिशा में और बिल्कुल सत्य और अहिंसा के पथ पर हमें चलना ही चाहिए जी। बिल्कुल, आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए और बहुत उम्दा जानकारी आपने गांधी दर्शन पर दी, हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए हम आपके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाजत लेने का, और जनवाणी के किसी और अंक में किसी और विषय के लोग फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।